हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इग्नू के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए। उसके लिए आपको हेल्प पहुंचाएगा हमारा वेबसाइट और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपने अपने इग्नू की वेबसाइट पे जाना है और इग्नू की वेबसाइट पे जाने आई मीन जो हमारा कॉमर्स की पाठशाला, यहाँ पे आपको विजिट करना है। इसके लिए आपको यूट्यूब खोलना पड़ेगा। यूट्यूब में आने के बाद आपको कॉमर्स की पाठशाला टाइप करना है। कॉमर्स की पाठशाला टाइप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपसे मिस ना हो पाए। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। बीकॉम न्यू आपको एक दिखेगा टैब, यहाँ पे सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। BCOC 1 से लेकर के BCOC 134, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल मेंशन नहीं है, वो मैथ्स, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 135 से लेकर के 184 तक जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर भी अभी एड यहाँ पे हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल है। प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, अंदर में ढेर सारी वीडियोज मिलेंगी, धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़े से कम है, बट धीरे धीरे बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे। हमारी टीम उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो आप तैयार रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए और इसके लिए आपको जो हमें हमारे तरफ से बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि आप अगर हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है बीकॉम के स्टूडेंट्स को। आपको पता है कि जब आप ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है, राइट? लेकिन यहाँ पे आपको उतना पेमेंट नहीं करना, सिर्फ ₹120 पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। जैसे आप ट्यूशन करते हैं वैसे ही हमारे पास भी आप ट्यूशन करेंगे, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपको 24/7 सर्विस मिलेगा रिगार्डिंग योर स्टडी, और साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही सस्ते दामों पे। फिलहाल मैंने शायद थोड़े से प्राइस मैंने ज्यादा रख दिए थे, बट अभी मैं उसको रिड्यूस करने वाला हूँ, तो बहुत ही अच्छे दामों पे आपको जो है मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको एक चैट का लिंक दिखेगा व्हाट्सएप का, यहाँ पे आपको क्लिक करना और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, हमारा जो एक्सक्लूसिव जो व्हाट्सएप का चैनल है, राइट? तो चलिए फिर लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स का मतलब हो गया, सबसे पहले तो ई कॉमर्स का क्या मतलब है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए, है ना। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब आप अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन बेचते हो तो हम उसे कहते हैं ई कॉमर्स, है ना। ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग क्या है कि मैंने एक दुकान खोला, दुकान में जाकर के मैंने अपने सामान को रखा और मैंने लोगों को इनकरेज करा कि आप मेरे यहाँ से सामान को खरीदो, या समटाइम्स नहीं भी करा तो भी लोग आते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है कि मेरी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं चीजों को वेबसाइट पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने सपोज अपनी चीजों को अगर अमेजन पे बेचना स्टार्ट किया तो वहां ज्यादा लोग आएंगे देखने के लिए हमारे प्रोडक्ट को, है ना। ज्यादा लोग देखेंगे तो हमारी डेफिनेटली सेलिंग भी ज्यादा होगी। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। तो ई कॉमर्स का मतलब ये होता है। अब ई कॉमर्स में ना बहुत सारे टाइप्स हैं, ई कॉमर्स के टाइप्स बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि ई कॉमर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक एक चार्ट के जरिए दिखाया है, B2B, B2G, C2C, C2B, B2C, C2A, P2P एंड D2C, है ना। अब इसको इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले B2B, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जब आप अपने सामान को, आप एक खुद बिजनेस हो और आप अपने सामान को किसी बिजनेस को ही बेच रहे हो तो हम इसे क्या कहेंगे, B2B। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। जब आप अपने सामान को आप एज ए बिजनेस किसी कंज्यूमर को बेच रहे हो, डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को बेच रहे हो, तो हम उसे कहेंगे B2C। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इंडिया में इवन मार्केट में सबसे ज्यादा जो तरीका चलता है वो B2B और B2C ही है, है ना। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैंने ही बहुत सारे सामान को खरीद करके एक तरीके से डाल करके मैं उसको बेच रहा हूँ, तो उसको C2C बोलेंगे। सपोज आपको हॉर्लिक्स खरीदना है तो आप दुकान जाते हो ना, दुकान तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, वो खुद कंज्यूमर है, कहीं से कंज्यूम कर रही है फिर आपको दे रही है, तो वो C2C का एक एग्जाम्पल हो गया। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नाउ C2 बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो सामान को इकट्ठा करता है और फिर वो बिजनेस को सेल करता है, किसी बिजनेसमैन को वो सेल करता है, तो उस तरह के बिजनेस को हम बोलेंगे या फिर ई कॉमर्स को बोलेंगे कंज्यूमर टू बिजनेस। नाउ B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, है ना। आप अपने सामान को बिजनेस जो आपका है, आप अपना सामान सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बना रहे हो, गवर्नमेंट को सेल कर रहे हो, तो हम उसे कहेंगे बिजनेस टू गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद है देखो C2A, कस्टमर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, माफी चाहूंगा उसको मैं ठीक कर देता हूँ, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। अगला है P2P, पीयर टू पीयर,
पीयर टू पीयर, और चौथा है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर, आप अपने सामान को डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचोगे। तो हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा इसका दो पार्ट आने वाला है। सबसे पहले पार्ट में हम चार टॉपिक्स को लेक्चर करेंगे, जैसे कि हमारा B2 है, B2G है, C2C, C2B, ये पहले चार हो गए। उसके बाद फिर बाकी के जो चार है उसको हम करेंगे, क्योंकि एक ही बार में सारी चीजों को कर पाना जो है पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उस चीज में हम लोग उस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहला जो टाइप है वो है B2B, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। हमारा जो है क्या होता है, सो इन अ बिजनेस टू बिजनेस टाइप ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम, कंपनीज दैट आर इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग अ प्रोडक्ट टू अ होलसेलर, द होलसेलर सेलिंग द प्रोडक्ट टू अ रिटेलर, ऑल कम टुगेदर टू कंडक्ट बिजनेस विद ईच अदर यूजिंग अ कॉमन पोर्टल, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यू you नो know, आप देखो बिजनेस बहुत तरीके का हो सकता है। मैं मैन्युफैक्चर करके सामान को बेच रहा हूँ, वो मेरे लिए बिजनेस है। एक व्यक्ति जो कि यू नो रिटेलर है, जो कि रिटेलर का बिजनेस कर रहा है, वो मेरे से सामान को खरीद करके फिर वो अपने पोर्टल पे उसको बेच रहा है ना, तो वो भी एक तरह का बिजनेस कर रहा है। वो रिटेल बिजनेस कर रहा है, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो इस तरह की चीज होती है। तो जब ये सारी चीजें किसी एक कॉमन पोर्टल पे आकर के होने लगेंगी तो हम उसे कहेंगे B2B, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन बिजनेस टू बिजनेस टाइप ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम कंपनीज दैट आर इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन, वो सारी कंपनीज जो कि सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होती है, सच एज मैन्युफैक्चरिंग जो कि प्रोडक्ट को सेल करता है, और होलसेलर जो कि सामान को सेलिंग करता है, द प्रोडक्ट टू अ रिटेलर, एक जो कि किसी को, किसको, एक रिटेलर को। और ये रिटेलर जो होता है वो अपने बिजनेस को कंडक्ट करता है, लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक कॉमन पोर्टल के जरिए हो रही है, राइट। तो इसमें हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि यहाँ जो ट्रेड है वो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरे बिजनेस, कंज्यूमर तक अभी पहुंचा नहीं है, है ना। इन सच एन इंस्टेंस द मैन्युफैक्चरर कुड हैव अ वेबसाइट, मैन्युफैक्चरर के पास अपना एक वेबसाइट हो सकता है, उसके पास एक वेब पोर्टल हो सकता है, दैट कुड आल्सो बी यूज्ड बाय द होलसेलर टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट, जहां पे जो होलसेलर्स है वो भी अपने प्रोडक्ट्स का यू नो एक तरीके से ऑर्डर जो है वेबसाइट पे आकर के दे सकते हैं। दिस ऑर्डर कुड देन बी प्रोसेस्ड एंड सेंड टू द होलसेलर, अब ये जो ऑर्डर है यहाँ पे एक तरीके से जो सामान है इसको प्रोसेस करके इसको होलसेलर के पास भेजा जा सकता है, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, है ना। द होलसेलर कुड फर्दर यूज द सेम पोर्टल टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट और टेक ऑर्डर फ्रॉम रिटेलर, अब जो होलसेलर है वो हो सकता है कि वो अपना वेबसाइट तैयार करे, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी उसका ही वेबसाइट वो लोग जो है तैयार करने लगे, ताकि उनको जो है अपने सामान का ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाए, उनका जो बिजनेस है वो चले, है ना। फॉर द सेम दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड B2B टाइप ऑफ कॉमर्स, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए दिखाया गया है, ये देखो मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, ठीक ना, दोनों की वेबसाइट देखो कॉमन है ना, यहाँ पे दोनों ने मिल करके जो है बिजनेस कर रहे हैं, किसके साथ, रिटेलर के साथ, अभी कंज्यूमर का खेल नहीं आया है, तो ये बिजनेस इसके साथ डील कर रहा है, ये बिजनेस इसके साथ डील कर रहा है, या फिर ये दोनों बिजनेस डायरेक्टली रिटेलर के साथ डील कर रहा है। सो इट्स अ फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस इन विच ऑल थ्री पार्टीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ वेबसाइट, और यहाँ पे तीनों जो है आपस में इंटरचेंज कर रही है चीजों को, तो तीनों के तीनों जो है बिजनेसेस है जिनको हम कहेंगे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। नाउ बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, आपका कोई बिजनेस है, आप डायरेक्टली अपने सामान को कंज्यूमर को बेच रहे हो अपने वेबसाइट के थ्रू, तो हम उसे क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर, बहुत ही सिंपल सा है, सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। दिस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इज अंडरस्टूड टू बी द प्रोसेस वेयर अ कंपनी और बिजनेस सेल्स देयर गुड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द बायर, है ना, इसी लाइन को आपको समझना है कि अपने सामान को डायरेक्टली बायर को बेच रहा है यूजिंग द इंटरनेट, राइट। द बायर हैज द लिबर्टी ऑफ ब्राउजिंग थ्रू द इंटरनेट टू फिल्टर, बायर के पास ये ना एक तरह का लिबर्टी होता है, एक तरह का उसके पास मौका होता है कि वो जो है वाइड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट जो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सबको चेक करे अच्छे तरीके से, जो पसंद आए फिर उसको ऑर्डर कर दे, है ना। कंपनी का काम है कि अपने सारे सारे वेबसाइट को वहां पे इंस्टॉल कर देना, यू नो दिखाना कि लोगों को क्या पसंद आएगा, उसके बाद लोगों का काम होता है कि वो पसंद करके जो भी उनको पसंद आए उसको ऑर्डर कर दे, है ना। इंटरनेट टू फिल्टर चेक एंड व्यू प्रोडक्ट्स एंड देन ऑर्डर देम, ये पूरा प्रोसेस है। बायर के पास लिबर्टी होती है कि वो इंटरनेट को ब्राउज करे अच्छे तरीके से, अब प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से देखे और फिर ऑर्डर कर दे। आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर द कंपनी प्रोसीड्स टू प्रोसेस एंड सेंड द ऑर्डर डायरेक्टली टू द बायर, जब कंपनी को ये ऑर्डर मिल जाता है तो कंपनी क्या करती है, ऑर्डर को प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली बायर को घर पे भेज देती है। तो इस तरह का बिजनेस को हम लोग क्या कहेंगे, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
यहाँ पे डिटेल में है कुछ, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है अमेजन फ्लिपकार्ट का, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे जो बेसिक जो आइडिया है, जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो बेसिक आइडिया ही आपको लिखना है, ठीक है ना। आप अगर चाहो तो बना बना करके और बड़ा कर सकते हो, जो कि आपको करना ही चाहिए, तो ये आप करना, ठीक है ना। पिक्चर में भी देखो, अगर आप पिक्चर बनाओगे तब तो और अच्छी बात है, पिक्चर भी याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अगला देखो, अगला है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है ना। यहाँ पे कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपने सामान को सेल करेगा, कैसे। दिस फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इज अंडरस्टूड टू बी अ मॉडल वेयर कंज्यूमर्स सेल गुड्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू अनदर कंज्यूमर यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह के ई कॉमर्स में क्या हो रहा है कि एक कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है किसको, एक और कंज्यूमर को, विद द हेल्प ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट। कंज्यूमर ही सेल कर रहा है। B2B में क्या था कि बिजनेस बिजनेस को सेल कर रहा था, B2C में था कि बिजनेस यू नो कंज्यूमर को सेल कर रहा था, यहाँ पे कंज्यूमर ही कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है। दिस मॉडल कंप्राइजेस द सेलिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मूवेबल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। कंज्यूमर टू वेबसाइट, कंज्यूमर वन। कंपनीज देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपनीज सच एज क्विकर, OLX एंड सो ऑन आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। सही बात है ना। OLX पे क्या पुराना सामान बिकते हैं, तो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने कोई सामान खरीदा, मुझे अब उसको बेचना है, मैं उसको OLX पे जाकर रजिस्टर कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, मैं वही काम कर रहा हूँ ना, कंज्यूमर हूँ मैं और अपने सामान को किसी कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, C2C बिजनेस हो गया, ठीक है ना। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। इसका भी देखो इस्तेमाल होता है कि एक कंज्यूमर अपने सामान को बिजनेस को बेचता है, कैसे देखते हैं। अनलाइक B2C मॉडल जहां पे बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रेड होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर सामान भेजा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमर्स वेयर कंज्यूमर्स देमसेल्व्स प्रोवाइड गुड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एज इलस्ट्रेटेड बिलो। सोचो पहले क्या हो रहा था कि बिजनेस प्रोडक्ट बना रही थी और कंज्यूमर को बेच रही थी, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज है और वो उसको सेल कर रहा है किसको, बिजनेस को। कैसे देखो, यहाँ पे बिजनेस दिखा हुआ है, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस वेबसाइट कंज्यूमर, इस तरीके से आप देखो पिक्चर बना दोगे ना तो आपको मार्क्स बहुत मिल जाएंगे, बहुत आसान है। एग्जाम्पल में देखो कैसे हो रहा है ये काम। दिस इज अनदर वर्जन ऑफ मॉडल, इन दिस वर्जन द कंज्यूमर क्रिएट एंड यूटिलाइज देयर ओन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स टू लिंक बैक टू द प्रोडक्ट सोल्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट वेब पोर्टल, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंज्यूमर जो है वो अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ब्लॉग्स हो गया, ETC हो गया, उसका इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, वो लिंक कर रहा है अपने प्रोडक्ट को जो कि उसने कंपनीज को बेचे हैं। कंपनीज ई कॉमर्स वेबसाइट्स वेब पोर्टल देयर कंज्यूमर्स फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड आर यूजुअली रिवॉर्ड बाय द कंपनीज फॉर डूइंग सो। जैसे आप अगर अमेजन का एग्जाम्पल लोगे तो अमेजन का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि अमेजन खुद एक बिजनेस है और मैं एक कंज्यूमर हूँ। सपोज अमेजन का मैं कंज्यूमर हूँ और मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे सामान को तैयार किया और तैयार करने के बाद वापस से मैंने जाकर के अमेजन पे उसको एनलिस्ट कर दिया, सर्विसेज को मैंने एनलिस्ट कर दिया। अब उसके बाद जो भी आदमी आएगा वो जाकर के उस सामान को खरीदेगा, तो इस केस में क्या होगा कि अमेजन का भी बिजनेस बढ़ेगा और मैं एज ए कंज्यूमर जो कि अमेजन का मैं था, मैं लेकिन अब वहां पे बिजनेस प्रोवाइडर बन गया हूँ और मेरी वहां पे बिजनेस जनरेट हो रही है और उसका रिवॉर्ड जो है मुझे समटाइम्स अमेजन जो है मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है चीजें। नाउ नहीं, आई गेस चार पॉइंट्स हो गए हैं जी, हाँ 1.5.4। तो ये चार तरीके का जो है मैंने आपको बता दिया है, चार तरीके का ई कॉमर्स। अगले टॉपिक में हम 5, 6, 7, 8 है ना, जो नेक्स्ट जो 4 टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं ई कॉमर्स, जो टाइप ऑफ ई कॉमर्स है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो फिलहाल ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के चार पार्ट को बताए हैं, चार तरीके को बताए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट 4 हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।